Hello students, so today we are going to start our new soft topic that is back to basics. ठीक है सो हाउ आर इंस्क्रिप्शन डेसीफर टू हमने जब भी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि हमने स्टार्टिंग कैसे किया था कि जब जेम्स प्रिंसेप ने नाइनटीन थर्टीज़ में क्या किया था दो स्क्रिप्ट क्या किया था डेसीफर किया था उसके बाद क्या हुआ था कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या हुआ था दैन लाइक देअर वॉज एंड लाइक ड्रास्टिक चेंज और दियर वॉज अ इमरजेंस इन द इन्वेस्टिगेशन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड है कि नहीं कि इस के बाद जब ब्राह्मी और खरुस्ती क्या हुआ था डेसिफियर हुआ था और क्लियर हुआ था कि नहीं ऐसे पर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ये जो ब्राह्मी और खरुस्ती है ये कैसे डेसिफेयर हुआ इसको डेसिफियर करने के लिए और क्लियर करने के लिए क्या क्या किया गया था ठीक है किसका हेल्प लिया गया था तो टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग्स अंडर दिस सब टॉपिक ठीक है सो लाइक हमारा इस सब टॉपिक में तीन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वन इज डिस फिरिंग ब्राह्मी अदर पॉइंट इज़ हाउ खरोस्ती वॉज रीड ओके एंड द अदर पॉइंट इज हिस्टोरिकल इविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ठीक है सो दिस इज लाइक इंस्क्रिप्शन ने बहुत ज़्यादा हमने अभी तक जो भी पढ़ा लाइक किंग्स के बारे में पढ़ा ठीक है किंगडम्स के बारे में पढ़ा टाउन्स और सिटीज स्टेट के बारे में पढ़ा सभी किसका हेल्प लेके पढ़ा इस सभी हमने मोस्ट ऑफ द लाइक लाइक मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स वी हैव स्टडीड टिल नाउ वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन है कि नहीं तो इंस्क्रिप्शन को डेसिफर पहले कैसे गया था जैसे ब्राह्मी को कैसे डेसिफर हुआ था ठीक है जैसे लाइक like, अभी जो इंडियन लैंग्वेज मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ दिस मॉडर्न लैंग्वेजेस आर डिराइव फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट ठीक है स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि जैसे हमारा लाइक हिंदी हिंदी का हिंदी जैसे नेपाली उसका लिपि कौन सा है बोलने से देवनागरी लिपि है ठीक है तो सो अशोका आज आई टोल्ड यू कि अशोका जब अशोका uh, का इंस्क्रिप्शन मिला था वो भी क्या था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही था ठीक है तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था और लाइक like, uh, उस टाइम क्या हुआ था कि मोस्ट ऑफ़ द स्कॉलर्स जो पहले पहले इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे थे तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो लैंग्वेज उस इंस्क्रिप्शन uh, में लिखा गया होगा ये संस्कृत लैंग्वेज होगा ठीक है तो उन लोगों ने वही कंसिडर किया था कि वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी है पर लैंग्वेज है संस्कृत तो उन्होंने जब बाद में जब इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे थे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया स्कॉलर्स वग़ैरह ने तो उसमें क्या मिला कि ये तो क्या नहीं है संस्कृत लैंग्वेज नहीं है ये तो क्या है प्रकृत लैंग्वेज लैंग्वेज था प्रकृत लैंग्वेज था ठीक है तो हमने ये भी बोला कि मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन दे वर इन लाइक हमने जो भी सब कॉन्टिनेंट से अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला था वो क्या था लाइक इट इज़ इन ब्राह्मी एंड द लैंग्वेज खर लाइक प्रकृत ओके जैसे हम हमें क्या मिला था लाइक हमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड से भी क्या मिला था हम वेस्ट साइड से भी अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला था पर वहाँ पर लाइक अफगानिस्तान वगैरह में जो भी इंस्क्रिप्शन मिला था वो क्या था खरोस्ती खरोस्ती स्क्रिप्ट में था ठीक है मैले बोला था त लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज ओ द्याङ्ग्वेज व्रिक था है कि तो तेसै करके जब लाइक सब कन्टिन्ट जब इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला था अशोकन इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन था लाइक ब्राह्मी स्क्रिप्ट था स्क्रिप्टमा लैंग्वेज कौँ सा था ल्याङ्ग्वेज त प्रकृत वो कैसे पता चला क्योंकि लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द लाइक हमारे क्या है इंडिया ये इंडिया में क्या है कि संस्कृत वगैरह तो बहुत ज़्यादा क्या है विद्वान वगैरह है स्कॉलर्स वगैरह है उन लोगों को संस्कृत लैंग्वेज आता है जैसे संस्कृत वगैरह जैसे uh, उन लोगों को बंगाली वगैरह आता है तो उन लोगों ने क्या किया कि लोकल लाइक स्कॉलर्स वगैरह का हेल्प लिया जो uh, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लैंग्वेज जानते हैं तो स्पेशली क्या लिया लाइक लोकल पंडित्स वगैरह का हेल्प लिया ठीक है सो लाइक जिसको संस्कृत आती होगी जिसको देवान देव देवनागरी स्क्रिप्ट आती होगी है कि नहीं बंगाली आती होगी तो उन लोगों ने उस लोगों का यूरोपियन स्कॉलर्स ने दे हैव टेकन द हेल्प ऑफ़ द लोकल पंडित्स। सो जब उन लोगों ने लोकल पंडित्स वगैरह का हेल्प लिया तो उन लोगों को पता चला कि ये क्या है ये तो ला, संस्कृत लैंग्वेज नहीं है ये तो क्या है कि ये तो आ, ये तो एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जो प्रकृत में लिखा गया है ठीक है तो उन लोगों ने फर्स्ट क्या किया कि उन लोगों ने कंपेयर करने की कोशिश की इक्वेलेंट करने की कोशिश की कोशिश की है ठीक है सो एज़ यू कैन सी हियर ओके okay, ये क्या है उन लोगों ने कंपेरिजन करने के कैसे दिस इज़ फिगर uh, नंबर टू पॉइंट uh, वन वन ठीक है अशोकन ब्राह्मी विथ देवानगरी इक्वैलेंस सो so, uh, ये क्या है uh, इस ये क्या है ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ठीक है ये लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में क्या है देवानगरी स्क्रिप्ट है ठीक है तो उन लोगों ने ब्राह्मी को डेसीफर करने के लिए क्या किया पहले कंपेरिजन करने की कोशिश की है ठीक है सो उन लोगों ने क्या किया जैसे हम देवानगरी में क को ऐसे लिखते हैं स्क्रिप्ट ठीक है तो ऐसे करके ब्राह्मी को ब्राह्मी में कैसे लिखते ऐसे लिखते तो ऐसे करके दे स्टार्टेड ट्राइंग टू तो डिसिफर द ब्राह्मी क्लियर करने की कोशिश की ठीक है तो उन लोगों ने क्या किया लाइक उन लोगों ने एज़ आई टोल्ड यू कि इंडियन पंडित्स और द लोकल पंडित्स वगैरह का हेल्प ले क्या करने की कोशिश की इस स्क्रिप्ट को डेसिफर करने की कोशिश की है ठीक है सो so, जब ये थोड़ा थोड़ा करके क्या हो रहा था क्लियर हो रहा था ठीक है बहुत ज़्यादा हार्ड इसको हार्ड वर्क करने की हार्ड वर्क करना करना करने लाइक दे दे हैव लाइक बेयर सो मेनी लाइक हार्डशिप टू क्लियर दिस स्क्रिप्ट ठीक है सो उन लोगों ने दे हैव टे लाइक इपिग्राफिस uh, uh, वगैरह का हेल्प लिया सो जेम्स प्रिंस प्रिंसेप ने क्या किया कि 1838 में क्या किया लाइक द अशोकन इंस्क्रिप्ट ही डिसिफर द अशोकन इंस्क्रिप्ट लाइक स्क्रिप्ट दैट इज़ ब्राह्मी इन 1838 में ठीक है सो ब्राह्मी क्या हुआ ऐसे डिसिफर हुआ था ठीक है सो उन लोगों ने इकोवेल का कंपेरिजन प्रोसेस स्ट्रैटेजी अपनाई लोकल पंडित और इंडियन पंडित्स वगैरह का हेल्प लिया जिसको क्या लाइक uh, देवानगरी like, uh,

जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ब्राह्मी को तो कंपैरिजन वगैरह करके क्या किया उन लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश किए गए पर खरोस्ती कहाँ पे मिला था हमको सब कॉन्टिनेंट के कहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में मिला था है कि नहीं तो वहाँ पे उस टाइम क्या था सेकेंड सेंचुरी बी सी में वहाँ पे खरोस्ती ज़्यादा लाइक खरोस्ती में एक स्क्रिप्ट खरोस्ती में मिला था तो ता उस टाइम क्या था कि वहाँ पर कोइंस वगैरह भी मिले थे तो उस टाइम में आई एज़ आई टोल्ड यू कि वहाँ पर पंचमार्क कोइन्स वगैरह मिला था पर क्या था वो पंच मार्क कोइंस में क्या नहीं था सिंबल और इमेजेस थे वहाँ पे कुछ नाम वगैरह नहीं थे और पिक्चर्स वगैरह नहीं थे तो आफ्टर द ग्रीक इंडो ग्रीक किंग्स दे हैव इशूड द कोइंस ठीक है वो कहाँ पे रूल कर रहे थे वहाँ वो सब uh, कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में रूल कर रहे थे ठीक है ना उन लोगों ने उस टाइम से इंडो ग्रीक रूलर्स ने क्या किया था कोईंस में क्या किया था फर्स्ट नाम और राजा का क्या था पिक्चर देने वाले फर्स्ट इंडो ग्रीक कोइंस था रूलर्स थे कितने नहीं थे तो वहाँ वहाँ पे क्या था कि इंडो जब इंडो ग्रीक्स रूलर्स ने कोइन किया था कोइन इशू किया था ठीक है वो कोइन्स में क्या था कि राजा का नाम था क्या क्या था राजा का नाम था तो उस राजा का नाम क्या में लिखा गया था ग्रीक में लिखा गया था और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया था ठीक है सो तो वहाँ पे वो कोइंस में ग्रीक में लिखा गया था खरोस्ती तो में लिखा गया था तो मैं ऑब्वियसली जो ग्रीक लाइक ग्रीक स्कॉलर्स वगैरह है तो उन लोगों को वो क्विंस तो ईजी से क्या करना आता है पढ़ना आता है कि नहीं तो वो लोग उसने क्या बोला कि यूरोपियन स्कॉलर्स ने क्या दे नो द लैंग्वेज ग्रीक है कि नहीं तो उन लोगों ने क्या करने की कोशिश उन लोगों ने वो ग्रीक में क्या लिखा है उन लोगों ने फर्स्ट समझने की कोशिश की है ठीक है दे डोंट नो द खरोश् फॉर एग्जांपल ओके फॉर एग्जाम्पल ठीक है आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल जैसे uh, अभी लाइक अपोलो डॉटर्स ठीक है अपोलो डॉटर्स किस से इस्टार्ट होता है अपोलो डॉटर्स वॉज द ग्रीक रूलर ठीक है तो उसका नाम अपोलो ए से स्टार्ट होता है ठीक तो है सो so, उन लोगों ने क्या किया कि सपोज अपोलो डॉटर्स लाइक ग्रीक में ए से स्टार्ट होता है तो खरोस्ती से भी टस कुछ नाइक वाइक अल्फाबेट्स अल्फाबेटाट हो न त कि, करने की गर्ने लाइक इफ आई एम राइटिंग लाइक ए ए लाइकिस वर्ड अपोलो इन ए खरोसी मे बी कुछ, like, uh, like, uh, like, uh, कुछ न कुछ तो अपोलो डट्स ए कुछ न कुछ, ना, कुछ और कुछ न कुछ, कुछ होगा ना तो दे स्टाटेड कम्पेरीजन ठिक किया कि लैंग्वेज वगैरह को क्या वर्ड्स वगैरह को क्या करने की कोशिश की कंपेयर uh, करके क्या करने की गए खरोस्ती स्क्रिप्ट को भी क्या किया डिसिफर किया ठीक है तो जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था इस खरोस्ती को क्या किया था लाइक like, uh, खर, इस खरोस्ती इंस्क्रिप्शन में भी किया इसका लाइक like, uh, कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया है लाइक like, किया है तो ये आइडेंटिफाई करने वाला भी कौन था जेम्स प्रिंसेप ही था ठीक है लाइक इस यूरोपियन स्कॉलर्स तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे पर सबसे पहले उसको क्लियर करने वाले कौन थे जेम्स प्रिंसे भी थे ठीक है So, उसी का उसी के बाद क्या हुआ था कि जब जेम्स प्रिंसेप ने वो भी क्या किया कि लाइक like, uh, अभी हम खरोस्ती इंस्क्रिप्शन लाइक like, लाइक uh, like, uh, क्लियर करने के लिए वी हैव नॉट लाइक वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ द कोइंस इंडो ग्रीक्स कोइंस ठीक है क्योंकि वहाँ पे दोनों ही क्या किया था स्क्रिप्ट को यूज़ किया था ग्रीक को भी यूज़ किया गया था और वहाँ पर खरोस्ती को भी यूज़ किया गया था तो खरो लाइक यूरोपियन स्कॉलर्स को दे नो ग्रीक तो उन्होंने क्या किया कि लाइक ला, लेटेस्ट वगैरह को कंपेयर करने की कोशिश किए थे जैसे मैंने बोला अभी बोला अपोलो डॉटर्स इज़ रिटर्न इन ए ना इन इंग्लिश में ए ए से लिखते तो वैसे उन लोगों ने बोला कि खड़ोस्ती में भी अपोलो डॉटस क्या होगा कि अपोलो डॉटस किसी ना किसी लेटेस्ट से तो स्टार्ट होगा तो उन लोगों ने ऐसे तरीके से क्या किया खरोस्ती को भी क्या किया डेसीफर किया तो उसके बाद डेसीफर करने के बाद सबसे पहले जिम्स प्रिंसिप ने ही इसको डेसीफर किया था तो उसके बाद जब खरोस्ती और ब्राह्मी क्लियर हुआ तो उसके बाद ही वहाँ पे रेवोल्यूशन जैसा आ गया इंडियन लाइक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए वहाँ पे ये ये बिकॉज ऑफ द दिस बिकॉज ऑफ़ द डेसिप्रिंग ऑफ दिस टू स्क्रिप्ट देयर वाज़ अ ट्रिमेंडियस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि नहीं सो